हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम इंडियन रेलवे के सुपर ऐप स्वरेल ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करना जानेंगे और उसके बाद IRCTC रेल कनेक्ट या फिर UTS मोबाइल के क्रेडेंशियल से स्वरेल ऐप को लॉगिन करना जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी रात्रि के 12 बज रहे हैं और हम प्ले स्टोर ओपन करके जस्ट चेक ही कर रहे थे कि स्वरेल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे ही हम स्वरेल ऐप को सर्च किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करके स्वरेल ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि स्वरेल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में या फिर एप्पल के ऐप स्टोर में बीच बीच में चेक करते रहिए कि स्वरेल ऐप को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। जैसे ही ये ऑप्शन आने लगे तो आप अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कर लेना है। तो बाई चांस हम ऐसे ही चेक कर रहे थे प्ले स्टोर पर कि स्वरेल ऐप को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं, तो रात्रि के 12 बजे हमें ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन शो करने लगा, तो हम इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिए। तो आप भी अपने मोबाइल में बीच बीच में ऐसे चेक करते रहिए, जैसे ही ये ऑप्शन आ जाएगा आप अपने मोबाइल में स्वरेल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ऐप ओपन कर लेना है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन वगैरह पूछा जाता है, तो जो भी परमिशन वगैरह पूछा जाता है उन सबको आप अलाउ कर दीजिएगा। एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे स्किप और कंटिन्यू, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फिर इस इंटरफेस में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इस इंटरफेस में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है वो हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास रेल कनेक्ट या फिर UTS मोबाइल का क्रेडेंशियल है तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आपको लॉगिन कर लेना है, और अगर आपके पास रेल कनेक्ट या फिर UTS मोबाइल का क्रेडेंशियल नहीं है तब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड से आप इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास रेल कनेक्ट का क्रेडेंशियल है तो हम ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास रेल कनेक्ट का यूजर आईडी है तब भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, और अगर आप रेल कनेक्ट के यूजर आईडी को भूल गए हैं तो उस एप्लीकेशन के यानी रेल कनेक्ट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी आप स्वरेल ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए रेल कनेक्ट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर आपको इंटर करके दिखा देते हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर से भी इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इंटर हो जाने के बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक नया पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चूंकि जो मेरा मोबाइल नंबर था वो IRCTC के रेल कनेक्ट से रजिस्टर्ड था, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं IRCTC का जो डेटा है वो यहाँ पर शो करने लगा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ रेल कनेक्ट का जो यूजर आईडी है वो दिया गया है, और नीचे आप देखेंगे पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रेल कनेक्ट का जो पासवर्ड है वो इंटर कर देना है। तो चलिए हम अपने पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आप देखेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, वही OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर कर देने के बाद नीचे आप देखेंगे वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आपके रेल कनेक्ट का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करने लगता है। नीचे आप देखेंगे न्यू पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। यहाँ हम आपको बताते चले कि न्यू पासवर्ड बनाते टाइम कैपिटल स्मॉल और स्पेशल कैरेक्टर का जरूर यूज करिएगा, जिससे कि आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग रहे। न्यू पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे MPIN सेट करने के लिए पूछा जाता है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से MPIN सेट कर लीजिएगा। MPIN सेट हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेट MPIN का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेट MPIN पे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे स्वरेल ऐप लॉगिन हो जाता है।
यहाँ हम आपको बताते चलें कि जैसे ही आप स्वरेल ऐप में लॉगिन होते हैं, रेल कनेक्ट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है और उसका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करने लगता है। यानी अगर आप रेल कनेक्ट में कोई भी टिकट बुक किए हैं तो आप स्वरेल ऐप में उसको देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि इस एप्लीकेशन को अगर आपको दोबारा लॉगिन करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले एम पिन इंटर करने के लिए पूछा जाता है। जैसे ही आप एम पिन इंटर करेंगे आपका जो स्वरेल ऐप है वो लॉगिन हो जाता है। तो ये रहा स्वरेल ऐप को लॉगिन करने का प्रोसेस। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।